नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों यहाँ पर सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस में आपके बहुत ही बड़े दो रिक्रूटमेंट आ चुके हैं। जी दोस्तों, लॉकडाउन के बीच में सबसे बड़े रिक्रूटमेंट है। अगर आप इसमें फिलअप करते हो तो यहाँ पर आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा। दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट बहुत लंबे समय के बाद में आया और बड़ी और बंपर भर्ती आपके आ चुकी है। लॉकडाउन के बीच में सबसे बड़ी भर्तियों में ये दो भर्ती है जिसके फॉर्म आपको भरना बेहद ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, एक की बात करें तो सीआरपीएफ का जो वैकेंसी आई है उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भी आपको ऑफलाइन मोड के आधार पर भरे जाएंगे। वही बात करें तो दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड के आधार पर भरा जाएगा। वही दिल्ली पुलिस के एग्जाम डेट भी दिल्ली पुलिस जो एसएससी के थ्रू यहाँ पे बता दी गई है कि नवंबर में आपका एग्जाम होगा। तो बहुत ही कम समय यहाँ पे बचा है। इस समय में अगर आप तैयारी करते हो तो आपको दोनों में से एक जो मिलने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग दोस्तों डिटेल्स हम बात करने वाले, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला। अगर आप भी किसी रिक्रूटमेंट या किसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हो या फिर मिलिट्री फोर्सेज में या फिर मिलिट्री फोर्सेज में भर्ती होना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले और बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर हम पूरी जानकारी आपको बताएं उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हो और हर प्रकार के रिक्रूटमेंट के अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको कोई भी नया रिक्रूटमेंट आए तो उसकी लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ का बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट आ चुका है। यहाँ पर 846 के लगभग यहाँ पर वैकेंसीज आपकी, जिसमें आपको एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तक की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ट्रेडमैन की वैकेंसी का इंतजार काफी दिनों से अभ्यर्थी कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो चुका है। यहाँ पर ट्रेडमैन की आपकी बड़ी और बंपर भर्ती आ चुकी है। आप इसका ऑनलाइन फॉर्म इसका ऑफलाइन मोड के आधार पर आपको फॉर्म फिलअप करना होगा और ऑफलाइन फॉर्म भी इसका शुरू हो चुका है। तो आप जल्दी से जल्दी इसका ऑफलाइन फॉर्म है वो भर के जल्दी से जल्दी डाक के द्वारा भेजा जाए ताकि आपका एडमिट कार्ड भी आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, उससे पहले दोस्तों अगर आपने ये फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है तो मैंने पहले आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें आपको पूरी डिटेल से बताया था कि किस प्रकार आपको फॉर्म है वो ऑफलाइन फिलअप करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको फॉर्म भरने में बड़ी यहाँ पर जो लाभदायक होने वाला है, क्योंकि उससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। कोई भी अगर आपके डाउट होगा फॉर्म भरते समय तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पर दोस्तों बात करते हैं दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट की। यहां पर आपके 5846 के लगभग ये वैकेंसी आई, जिसमें मेल, फीमेल और एक्स सर्विस में सभी की यहां पर वैकेंसीज आई है। दोस्तों अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लर्निंग लाइसेंस आपके पास में नहीं है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। तो आप जल्दी से जल्दी बनवा लीजिएगा, क्योंकि 1 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 21 नवंबर से इसका एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। बहुत ही जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसकी होने वाली है, क्योंकि इसका एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट करवाने वाली। जी हाँ दोस्तों, एसएससी का बस इतना ही रोल है इसमें कि एसएससी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया है वो दिल्ली पुलिस खुद करवाने वाली है। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल, उसके बाद में आपका मेडिकल और उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप भी दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट में भर्ती होना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी योग्यता मात्र 10+2 रखी गई है। अगर 12वीं पास हो और आपके पास में लर्निंग लाइसेंस है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हो। दोस्तों इस लॉकडाउन के बीच में बहुत ही बड़ी और बंपर दिए दो भर्ती आई, इसके फॉर्म फिलअप करना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आप भी किसी रिक्रूटमेंट की तलाश में हो तो, क्योंकि इतने बड़े रिक्रूटमेंट है इस लॉकडाउन के बीच में यही दो आपको देखने को मिलेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि सीआरपीएफ का जो फॉर्म है वो शुरू हो चुका है, जबकि दिल्ली पुलिस का है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो 1 तारीख से आपका शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा देखी छोटी सी जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नया रिक्रूटमेंट आए तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।